हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। सिंघम 3 का ट्रेलर आ गया, इम्प्रेसिव है। और ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिल्म में 4 मिनट का जो ट्रेलर है, दिखाया भी सब कुछ, नहीं भी दिखाया, मतलब पता भी चला कि अच्छा ये होगा, पर पता भी नहीं है कि क्या होगा। स्टोरी में चलो दया वापस आ गया, ये अच्छी बात है। और थोड़ी सी आगे उम्र दिखाई है, मतलब अजय देवगन बड़े हो गए हैं, करीना कपूर भी बड़ी हो गई हैं एज वाइज, और जो बच्चे हैं उनका वो भी बड़ा हो गया है। और वो अपने बाप से बोल रहा है, अगर कोई गुंडा जो है वो करीना को उठा के ले जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो अजय देवगन बोला, मैं उसकी ईट से ईट बजा लूंगा। अर्जुन कपूर आ जाते हैं उठाने, फिर अर्जुन कपूर की ईट से ईट बजाने के लिए जैकी श्रॉफ तेलुगु डायलॉग बोलते हैं कि वो एक ऐसा बंदा है जो किसी चीज को नहीं छोड़ सकता। और वहां पे फिर अर्जुन कपूर काटम काटी में लगे रहते हैं। तो ये सीन देख के मुझे वो याद आ गया, वो साउथ की मूवी तो नहीं देख रहा। खैर, इसमें फिर टाइगर श्रॉफ को भी डाल दिया, वो भी उसका भी कैमियो तो नहीं लगता, मतलब अच्छा किरदार है। फिर सिम्बा, सिम्बा मतलब रणवीर सिंह को, दीपिका, फिर उसके बाद अक्षय कुमार की एंट्री, फिर कह रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं सलमान खान का भी कैमियो है, एंड में होगा वो, आखिर में जो पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं उसमें आएगा सलमान खान का कैमियो। और शाहरुख खान से बात की थी कि उनका भी कैमियो, पर शाहरुख खान ने इनकार कर दिया, तभी सलमान भाई को चुलबुल पांडे के रोल में लिया है वापस। और सारे तो सलमान भाई का इंतजार कर रहे हैं। बाकी थोड़ी सी खिचड़ी लगी फिल्म के, सिंघम सिर्फ एक बंदे की थी, उसको 4 5 6 7 8 9 10 मिला के मार्वल यूनिवर्स को अजीब बना दिया इन लोगों ने, मतलब एक नल तरह से नकल करने के चक्कर में अजीब बन गया वो सिंघम 3 का ट्रेलर। पर फिर भी चलो, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं कि भाई 4 मिनट का ट्रेलर है और मजा आ गया, तो भाई अब एंजॉय करो, अब क्या कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो।